हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास मैथ में। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में आज हम पढ़ेंगे ट्रू एंड फाल्स। क्या पढ़ेंगे? ट्रू एंड फाल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ट्रू एंड फाल्स हम देखते हैं। ओके, हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कतई सही, यानी कि पदार्थ क्या ऐसा है? ट्रू, यानी कि सत्य है। क्या है? सत्य और असत्य, यानी कि ट्रू है यानी कि सत्य है। कैसा है? ट्रू यानी सत्य है। ठीक, जिस पर टी लिखूं वह ट्रू यानी कि सत्य है, और जिस पर एफ लिखूं वह फाल्स यानी कि असत्य है। ठीक, या तो आप जानते ही हैं, पढ़े हुए हैं। गैसों के मध्य जो गैस है, गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। गैसों के जो कण होते हैं उनके लिए, जब देखो गैस के जो कण हैं उनके बीच में दूरी क्या होती है? सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं। दूरी ज़्यादा तो फोर्स कम तो आकर्षण बल कैसा होगा? कम। तो यहाँ दिया अधिक, या कैसा होगा? फाल्स, यानी कि गलत। द्रवों को बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि जो द्रव है, द्रवों को बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, यह भी आपका फाल्स है। यानी कि गैसों को अधिक संपीड़ित किया जाता है, यानी कि द्रव के पास दूर, ज़्यादा दूर नहीं होते, पास पास होते हैं, पर जो गैस होते हैं उसके अणु ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उसे ज़्यादा संपीड़ित किया जाता है, इसीलिए इसे असत्य यानी कि फाल्स। ठीक, क्या हो जाएगा? फाल्स। अब देखो चौथा क्वेश्चन है, ठोसों में उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक किरमित होती है, यानी कि जो ठोसों में उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक किरमित होती है, यानी कि किरमित का मतलब बहुत बहुत पास होते हैं, यानी कि क्रम से होते हैं, बहुत बहुत पास होते हैं, ये बात कतई सही है। क्या है? सही है। मैंने बताया ठोसों के कण जो होते हैं वे बहुत बहुत पास होते हैं, इसलिए ये बात ये सही बोल रहा है, ये क्वेश्चन सही। पाँचवा देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन, पदार्थ की तीन अवस्थाओं में गैस की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये बताइए। सही है क्या ये? पांचवा क्वेश्चन, पदार्थ की तीन अवस्थाओं में गैस की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये गलत है। गैस की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। कैसी होती है? सबसे कम नहीं, सही है। गैस में के जो कण हैं, अणु हैं, वे दूर दूर होंगे, कैसे होंगे? दूर दूर होंगे तो वे क्या करेंगे? तेज करेंगे, सॉरी, यानी कि पदार्थ की जो अवस्था है उनमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है, ये भी बात सही है। ठंडा करने, छठा क्वेश्चन देखते हैं, ठंडा करने पर दो प्रकार के कणों का आपस में विसरण बढ़ जाता है, यानी कि जब हम ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर दो प्रकार के जो कणों का आपस में विसरण बढ़ जाता है, नहीं, ये ज़्यादा के पर बढ़ता है जब उन्हें प्रेशराइज किया जाता है, यानी कि दबाव डाला जाता है, तो होता है ये फाल्स। क्या हो जाएगा? फाल्स, यानी कि छठा फाल्स। ठीक, यदि विसरण का मतलब क्या हो? अलग अलग टूटना, यानी कि जब उन्हें ज़्यादा ही विसरण ज़्यादा होगा तो वे एक में मिलने की जो प्रक्रिया वे आसान नहीं मिल पाएगी। ठीक, यहाँ पर क्या होता है? विसरण। ओके, इसमें देखो आप, आइस के दो टुकड़ों को जब ज़्यादा प्रेशर किया जाता है तो फिर प्रेशर से वे आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो ठीक, विसरण से नहीं, विसरण बढ़ाने से नहीं, एक प्रकार से मिलेंगे, वे होते हैं प्रेशराइज करने से, जैसे प्रेशर करने से। ठीक, इसलिए फाल्स है छठा। सातवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सातवां क्वेश्चन है, फर्स्ट है, पदार्थ की अवस्थाएं अनंत परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की जो अवस्थाएं अनंत परिवर्तित होती हैं, ये बात आपकी कतई सही है, यानी कि सत्य है। ठीक है,